गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम देखे थे डिफरेंशियल कैलकुलस में एसिम्प्टोट्स के बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे जो लिमिट के बारे में, जो 12th क्लास में हम लोग देखे थे कि अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है f ऑफ x अगर मेरे पास दिया हुआ है तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट वैल्यू को पुट करते थे। पुट करने के बाद अगर फाइनाइट और यूनिक वैल्यू आता है तो वो मेरा लिमिटिंग वैल्यू कहलाता था। उसके बाद अगर वैल्यू फाइनाइट नहीं आता है तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में 0.0 इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी में आता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर 0.0 में आता है तो उसको हम क्या फैक्टर टर्म से, फैक्टर मेथड से बनाते हैं। हम जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया हुआ रहता है उसमें वैल्यू को क्या करते हैं, पहले पुट करते हैं। पुट करने के बाद अगर वो मेरा 0/0 के फॉर्म में आता है तो उसको हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर वाले टर्म जो टर्म कटेंगे काटते हैं, फिर वैल्यू को पुट करते हैं। पुट करने के बाद फाइनाइट वैल्यू आता है तो वो मेरा लिमिटिंग वैल्यू कहलाता है। अगर उससे भी नहीं आता है तो हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के बाद वैल्यू को पुट करते हैं। पुट करने के बाद जो वैल्यू फाइनाइट और यूनिक आता है वही मेरा लिमिटिंग वैल्यू होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है सभी को आप फैक्टर कर सकते हैं, सभी फंक्शन को रेशनलाइज कर सकते हैं। उसी के लिए, अगर सभी को हम नहीं कर सकते हैं तो उसी के लिए आया लोपिटल रूल। इसको एल हॉस्पिटल रूल भी, एल हॉस्पिटल मेथड भी बोलते हैं। लेकिन ऐसे इसमें लोपिटल रूल इसको बोलते हैं जिसमें एच और एस साइलेंट रहता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि लोपिटल रूल कब लगेगा, पहले लिमिट क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स विद अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द नेबरहुड ऑफ ए। कोई एक फंक्शन है अपने एनबीटी पे, उसके नेबरहुड पे डिफाइन है। इसका मतलब क्या कि वो फंक्शन जो होगा उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है तो उसके बगल वाले पॉइंट पे वो फंक्शन, अगर मान लीजिए कि कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, कोई ए पॉइंट जैसी वैल्यू को पुट करते हैं तो वो 0.0 इनफिनिटिव अपॉन इनफिनिटिव के फॉर्म दे रहा है, मतलब कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। तो जस्ट हम उसके LHS पार्ट पे जाते हैं, LHL पे जाते हैं, RHL पे जाते हैं, LHL RHL निकालते हैं, उस पे वो फंक्शन डिफाइन होता है। तो हम क्या लिखते हैं, क्या f of x tends to x as x tends to a then f of x tends to l। जब x मेरा a की तरफ जाएगा तो f of x l के जाएगा, जहां l जो होगा लिमिटिंग वैल्यू, l एक यूनिक वैल्यू होगा और फाइनाइट वैल्यू होगा। इसको जनरली तीन तरह से लिखते हैं, लिमिट x tends to a f of x या l lt LT extends to a f of x या L extends to a f of x L। लिमिट को हम ये तीन तरह से किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं। जो अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो सात अनडिफाइंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। वो सात फॉर्म होता है कौन कौन, 0/0, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, 0×∞, 1×∞, 0×0 और ∞×0। ये सात अगर हम किसी भी फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद अगर ये सात फॉर्म में आता है मेरा आंसर तो वो मेरा आंसर नहीं कहलाएगा, वो मेरा आंसर नहीं कहलाएगा। फिर हम लोग जैसे मैं क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर वैल्यू को इस सब फॉर्म का अलग अलग क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या कि अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, पुट कीजिए 1 - 1 अपॉन 1 - 1 का स्क्वायर है, ये 0/0, ये क्वेश्चन 0/0 है, अनडिफाइंड फॉर्म आ रहा है। log x tends to 0 का वैल्यू होता है इनफिनिटिव, 1/0 का वैल्यू भी होता है इनफिनिटिव, ये क्वेश्चन है इनफिनिटिव अपॉन इनफिनिटिव का। tan x - 1 cos x, tan π/2 का वैल्यू होता है इनफिनिटिव, cos 0 का वैल्यू होता है 0, cos π/2 का वैल्यू होता है 0, तो 1/0 इनफिनिटिव, ये आ गया इनफिनिटिव माइनस इनफिनिटिव। थर्ड, चौथा, x log x की बात करेंगे हम, जब फॉर्म में पुट करेंगे तो मेरा क्या आएगा, x 0 है, 0 पुट किए, log 0 का वैल्यू होता है इनफिनिटिव, ये 0×∞ का आ गया। x^10 वैल्यू sin 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 0 का वैल्यू भी क्या होता है 0 होता है, ये 0×0 का फॉर्म है, ये आपका पांचवा फॉर्म आ गया। छठा और सातवां फॉर्म का भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। छठा और सातवां मेरे पास क्या आएगा, ये देखिए,
जीरो पुट करेंगे, वन प्लस जीरो वन टू दी पावर जीरो, मतलब क्या आ गया, वन टू दी पावर इंफिनिटी, ये फॉर्म आ गया। वैल्यू को पुट करेंगे, टेन पाई बाई टू वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी, और टेन कॉस पाई बाई टू का वैल्यू होता है जीरो, इंफिनिटी का पावर जीरो। तो ये सात क्वेश्चन का, सात फॉर्म का हम सात क्वेश्चन देखे, और ये सातों फॉर्म का अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन था, अलग अलग फॉर्म हमको दिया, और वही सात फॉर्म दिया जो कि मेरा अनडिफाइंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। अब इस सबको बनाने के लिए लोपिटल रूल आया। लोपिटल रूल क्या बोलता है, मेनली लोपिटल रूल जो होता है उसी को हम एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, सिर्फ यही दो फॉर्म पे लगता है, जीरो अपॉन जीरो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पे। बाकी का जितना भी पांच फॉर्म है उस पांच फॉर्म में कुछ चेंजिंग करके हमको जीरो अपॉन जीरो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी लाना पड़ता है, तो हम उस पांच पे भी लोपिटल रूल लगा सकते हैं। जानेंगे कि लोपिटल रूल क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है, कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x upon g of x, आपका एक लिमिट है जिसमें नोमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, f of x upon g of x है, इज ऑफ द फॉर्म 0 upon 0 एंड इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, एंड f of x एंड g of x आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, f of x एंड g of x आर क्या है, मेरा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देन वी कैन यूज लोपिटल रूल। ये दो कंडीशन होल्ड करेगा तभी हम लोपिटल रूल को होल्ड कर सकते हैं। क्या, अगर मेरा वैल्यू को पुट करते हैं वो जीरो पर जीरो आता है या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आता है, या साथ में वो दोनों का दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी हम लोपिटल रूल को यूज करेंगे। लोपिटल रूल क्या करता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल डिफरेंशिएट नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली अंटिल इट चेंज इट्स फॉर्म, या इट्स चेंज इट्स फॉर्म मतलब कि इसको आपको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कब तक डिफरेंशिएट करना है, जब तक कि वो आपका जीरो अपॉन जीरो इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव का फॉर्म छोड़ ना दे। जैसे ही छोड़ेगा एक फाइनाइट वैल्यू आएगा, वही फाइनाइट वैल्यू मेरा लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगा। उस पर हम क्वेश्चन देखेंगे क्या, कि एक क्वेश्चन दिया लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x अपॉन x, हम लोग बचपन क्या करें, ट्वेल्थ में बचपन नहीं है इसके लिए अभी, तो उसमें देखे थे कि हम लोग जानते थे साइन x अपॉन x 1 होता है, x अपॉन साइन x 1 होता है, टेन x अपॉन x, ये वैल्यू हम लिमिट में जानते थे कि 1 होता है। हम इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x अपॉन x है ये क्वेश्चन है, हम वैल्यू को पुट किए, जब हम वैल्यू पुट किए तो आ गया साइन जीरो अपॉन जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो अपॉन जीरो, मतलब कि ये अनडिफाइंड फॉर्म में आ गया, मतलब कि और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन डिफरेंशियल होता है, तो जब ये डिफरेंशियल होता है तो इसमें तो हम क्या लगा सकते हैं, रूल, लोपिटल रूल लगा सकते हैं। तो लोपिटल रूल क्या करता है, इसको आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए अलग अलग, अलग अलग हम इसको डिफरेंशिएट किए, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और x का होता है 1, अब वैल्यू को पुट करेंगे cos 0, cos 0 का वैल्यू होता है 1, ये मेरा आंसर कहा जाएगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखना कि दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, अगर डिफरेंशिएबल है साथ में ये देखेंगे कि वो फंक्शन जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव देता है कि नहीं देता है, अगर देता है तभी हम लोपिटल रूल आएंगे। लोपिटल रूल कहता है कि आप दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिए, हम डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आया उसको वैल्यू को फिर से पुट किए, पुट करने के बाद एक फाइनाइट वैल्यू दिया, यही फाइनाइट वैल्यू मेरा आंसर कहलाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10x अभी जस्ट बोले थे, 10x लिमिट x टेंस टू जीरो 10x अपॉन x है, ये हम इसको देखेंगे, फिर से वैल्यू को पुट करते हैं, हम पुट करेंगे तो ये 10 जीरो अपॉन जीरो, 10 जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, ये फिर से जीरो बाई जीरो पे आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, अलजेब्रिक फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस हम लोपिटल रूल पे जाएंगे, इसको हम डिफरेंशिएट किए, लिमिट x टेंस टू जीरो
डिफरेंशिएट 10x अपॉन डिफरेंशिएट x, मेरा वैल्यू आ गया 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x और x का होता है 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, हम sec स्क्वायर 0 का वैल्यू होता है 1, मेरा आंसर चला गया 1। इस टाइप से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। आपको क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है e to the power x minus 1 upon x, आप ये क्वेश्चन बना के हमको कमेंट सेक्शन में बताइए किसका आंसर क्या होगा। उसके बाद सेम क्वेश्चन ये भी है, इसका भी क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। सेम पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है, ये जब हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो ये टर्म जो है ये उस पे नहीं है, 0/0 पे आपको जब वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो जब वैल्यू पुट कीजिएगा इसमें तो क्या आएगा रिजल्ट, ये तो डायरेक्ट आपका वैल्यू दे देगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी होगा, ये लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी है, ये टर्म यहाँ पे वो छूट गया था। इसको सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे तो इनफिनिटी का स्क्वायर प्लस 2 गुने इनफिनिटी माइनस 5 अपॉन 5 गुने इनफिनिटी का स्क्वायर प्लस 7 गुने इनफिनिटी प्लस 10 आ गया मेरा इनफिनिटी अपॉन क्या इनफिनिटी पे। जब इस फॉर्म में मेरा पास आ गया तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बोले थे डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो हम लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी एक बार डिफरेंशिएट करते हैं 2x प्लस 2 अपॉन 10x प्लस 7, फिर से वैल्यू पुट करेंगे तो फिर से मेरा इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी आएगा, मतलब ये अनडिफाइंड फिर से आ गया। फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी आ गया 2 अपॉन 13 कांस्टेंट आ गया, मतलब ये आंसर 1/5। ये मेरा एक यहां से एक बात क्या पता चलता है, एक ट्रिक पता चलता है, आप देख लीजिए अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी है और उप दोनों फंक्शन पॉलिनोमियल है f(x)g(x), अगर दोनों का डिग्री सेम है तो उसका कोफिशिएंट आंसर हो जाता है, ऊपर में x स्क्वायर था नीचे में 5x² था, दोनों का कोफिशिएंट लिख दिए डायरेक्ट आंसर। अगर ऊपर वाला का डिग्री अधिक है तो आंसर इनफिनिटिव, अगर नीचे वाला का डिग्री कम है आपका ऊपर वाला का डिग्री अधिक है तो आंसर इनफिनिटिव और नीचे वाला का डिग्री अधिक है तो आंसर डायरेक्ट 0, हमको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी पे अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में थर्ड फोर्थ क्वेश्चन का। थैंक यू।